हेलो गाइस, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, केम छो गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन टू धनी एक्सप्लोर्स। एज ऑलवेज नया दिन नया वीडियो, ऑफकोर्स बहुत टाइम बाद है, मैं कह सकता हूँ पहला वीडियो पोलैंड से। तो आज मैंने फाइनली डिसाइड किया कि यार बहुत हो गया, टाइम तो कभी नहीं मिलेगा, मैं कुछ ना कुछ जो है मुझे ब्लॉगिंग करनी चाहिए। काफी लोग मुझे पूछते रहते हैं भाई कहाँ गायब हो गए, कुछ लोगों ने तो ऐसे ही बोल दिया कि धनी एक्सप्लोर्स अब मर चुका है, वापस वीडियो नहीं बनाएगा। बट ऐसा नहीं, मैं जिंदा हूँ। थोड़ा सिचुएशन ऐसी आ जाती है लाइफ में कि आपको ब्रेक लेना पड़ता है, बट अब मैं फिर से रेडी हूँ, वीडियोज बनाते हैं, अभी बिल्कुल रेडी हूँ। आप देख सकते हो मैंने बेल्ट भी पहन ली है, ये मेरी स्पाइन को बहुत सपोर्ट करता है। जब मुझे कहीं लॉन्ग वॉक करना होता है या फिर लॉन्ग सिटिंग करनी होती है, लॉन्ग ट्रैवलिंग करनी होती है, तो ये जो बेल्ट है स्पाइन की, ये बहुत ही सपोर्ट देता है मुझे। सॉरी गाइज, अगर वीडियो हिल रही होगी बिकॉज मैं अपना गिम्बल लाना भूल गया और मैं मोबाइल से शूट कर रहा हूँ, मोबाइल को हाथ में पकड़ के। बट दूसरी वीडियो में फिर गिम्बल से बनाऊँगा, अभी ऐसे ही मैनेज करिए। तो अभी मैं जा रहा हूँ ड्यूटी और आपको बताऊँगा अपना दिनचर्या कैसा रहता है यहाँ पर। और साथ में ही बताना चाहता हूँ कि गाइज, आज जब मैं इस वीडियो को शूट कर रहा हूँ तो आज 7 मई है, और 7 मई यानी कि बहुत ही मतलब इंडिया में गर्मी का टाइम है, बहुत गर्मी का सीज़न है, लेकिन यहाँ पर अभी भी ठंड है। ये देखिए मैंने जैकेट पहनी हुई है, इतनी ठंड नहीं है कि दिन में जैकेट पहननी पड़ेगी, अभी तो चलो आप हुडी में शायद सर्वाइव कर लोगे, बट रात को जब वापस आते हैं हम लोग ड्यूटी से ना, तो तब ठंड होती है, इसलिए जैकेट ज़रूरी होती है। और सेकेंड बात ये भी है कि यार यूरोप का जो मौसम है वो कभी भी बदल सकता है, इसलिए पूरी सेफ्टी अपने पास होनी ज़रूरी है, तो इसलिए भी मैं हमेशा जैकेट अपने साथ रखता हूँ। और मैं ही नहीं, यहाँ से कुछ लोग आ रहे हैं, जैसे ये लड़की आ रही है तो देखो इसने भी जैकेट पहनी हुई है। तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि मैंने ही जैकेट पहनी है, यहाँ पर लगभग अभी मई में सब लोग जैकेट पहनते हैं। एक्चुअली अभी ना पोलैंड आने से पहले मैं ऋषिकेश शिफ्ट हुआ हूँ, तो मैंने वहाँ पर रूम रेंट में लिया है अपने फैमिली के लिए, बच्चों के लिए, क्योंकि वहाँ पर थोड़ा स्कूल वगैरह अच्छे हैं, तो बच्चों को अच्छी एजुकेशन के लिए वहाँ पर रूम रेंट में लिया है। तो वहाँ पर जो हमारे मकान मालिक हैं वो भी गढ़वाली हैं, तो आंटी जी मुझे कह रहे थे कि धनवीर जब आप जाओगे ना तो वहाँ पर मुझे घर दिखाना कि घर कैसे होते हैं। तो अभी जो है मैं उनको पूरे यहाँ वीडियो बना के यहाँ के घर दिखाने वाला हूँ, और ये वीडियो उनके लिए ज़रूर भेजूँगा ताकि आंटी जी ये घर देखें। और आंटी जी आप अगर ये वीडियो देख रहे हो या देखोगे तो सबसे पहले आपको मेरा नमस्ते, और अब मैं आपको जो है जो आपने मुझे कहा था वो दिखाने वाला हूँ। सो आंटी जी, इस प्रकार से यहाँ पर घर होते हैं, आप देख रहे होंगे जैसे गाँव में पहले कभी वो पठाल वाले घर होते थे ना, वो पत्थर वाले, तो ऐसे यहाँ पर घर होते हैं। और ये आप अगर देख रहे हो तो आपको पूरा ऐसे ही घर दिखेंगे यहाँ पर, ये देखिए। तो इसका रीज़न ये है, मैं बताता हूँ अभी। ये जो घर हैं ये इसलिए बनाए गए हैं ऐसे क्योंकि यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा स्नोफॉल होता था पहले, ये पुराने घर हैं, तो बहुत ज़्यादा जब स्नोफॉल होता है तो अगर आपका प्लेन छत रहेगा तो सब स्नो जो है छत में इकट्ठा हो जाएगा, और फिर उसको जो है मेल्ट होने में टाइम लगता है, उसको छत से निकालने में टाइम लगता है। लेकिन अगर आपके घर इस तरह बने हुए हैं तो इसमें क्या होता है कि आपका स्नो जो है ज़्यादा देर जो है रुकेगा नहीं, आपका स्नो अपने आप ही जो है मेल्ट होके नीचे गिरता रहेगा। बट अभी क्या है कि आपको पता है कि मौसम इतना मतलब चेंज हो रहा है पूरी दुनिया में कि अब यहाँ पर पहले जैसे इतना स्नो नहीं होता है, होता है लेकिन इतने पहले बोलते हैं यहाँ पर -40 -30 डिग्री ऐसा कुछ टेम्परेचर रहता था, लेकिन अभी मेरे ख्याल से लगभग 15 तक तो मैंने भी देखा है, 15-18 तक इससे ऊपर गया नहीं है। लेकिन अब जो नई जो बिल्डिंगें बन रही हैं वो किस प्रकार से बन रही है मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ये है, ये नई बिल्डिंगें बनी है, एकदम प्लेन्स है, ये देखिए पीछे ये पूरी नई बिल्डिंगें बनी है, तो इसमें मतलब इन्होंने पूरा चेंज कर दिया है। सो गाइज, अभी मैं पहुंच चुका हूँ एकदम रेस्टोरेंट के नज़दीक, और ये जो जगह है ये है एक्चुअली गडांस्क ओलिवा, ये ट्राई सिटी में गडांस पड़ता है, और गडांस्क ओलिवा ये पीछे मेरा जो है यहाँ पर स्टेशन है SKM ट्रेन सब चीज़ के लिए, और यहाँ पर बस स्टॉप भी है। तो अगर आप लोग भी कहीं पर भी गडांस में सपोर्ट में गदीने में हो और आप लोग अच्छा इंडियन खाना ढूंढ रहे हो तो, और अच्छा टेस्टी या फिर कह सकते हो रियल इंडियन खाना ढूंढ रहे हो, तो प्लीज़ आइए। रेस्टोरेंट का नाम है डेली हाउस, और मेरे खास दोस्त का है, बेस्ट फ्रेंड का है, और अभी मैं यहीं पर ही काम कर रहा हूँ। जैसे मैंने पहले बताया मैं वीकेंड यहीं पर रहता हूँ, फ्राइडे सैटरडे संडे, और ऑफकोर्स अगर आप इंडियन हो वीडियो देख के आओगे तो आपको मैं डिस्काउंट भी दूंगा, नो प्रॉब्लम, आप आइए तो सही। तो आप चलते हैं रेस्टोरेंट की तरफ और देखते हैं अंदर क्या चल रहा है। अभी तो शायद एक्चुअली 12 बजे खुलने का टाइम है, तो 12 भी बजी नहीं है, बट अपने किचन वाले तो आ ही गए होंगे और देखते हैं कौन कौन आया है। सो लेट्स गो। तो गाइस, जब आप यहाँ पर आओगे तो ये आपको दिख जाएगा इधर से, ये है डेली हाउस, और आप इसको अगर इंटरनेट में कहीं पर भी सर्च मारोगे तो आपको मिल जाएगा, तो यहाँ पर आपको आना है। सो गाइज, अभी पहुँच चुका हूँ अपने रेस्टोरेंट के किचन में, और ये है किचन, और ये मेरे पीछे आप देख सकते हो ये तंदूर यहाँ पर है। मेरे भाई साहब हैं जो कि गढ़वाली हैं, और ये भाई साहब भी अपने गढ़वाली हैं, तो ये हमारे शेफ लोग हैं यहाँ पर। ये तो हुई शेफ लोगों की बात, अब मैं आपको बताता हूँ मैं क्या करता हूँ यहाँ पर। मैं आपको अपने सेक्शन में ले चलता हूँ।
सो गाइज ये है मेरा सेक्शन और ये सब के बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, लेकिन अभी टाइम हो गया, पहले जो है कंप्यूटर को ऑन कर लेते हैं, क्योंकि जो ये कासा इसको बोलते हैं जिसमें कि पूरा सिस्टम होता है कैश का, जो भी ऑर्डर्स वगैरह होते हैं इसको ऑन कर लेते हैं, और ये नीचे जो है प्रिंटर है इसको भी ऑन कर लेते हैं, और ये जो मशीनें हैं ये एक्चुअली जैसे मैंने बताया कि इस रेस्टोरेंट में जो है हमारे पास डाइन इन नहीं है, सिर्फ टेक अवे है, डिलीवरीज हैं, तो यहाँ पर आजकल ऑनलाइन बहुत ज़्यादा चल रहा है कोविड के बाद, सबको पता है, तो ये सब मशीनें जो पोलैंड में चलती हैं ये पिसने की है, ये बोल्ट की है, ये बोल्ट की है, और ये है अपना ग्लोवो, अरे उबर, बाकी ये हमारा फ़ोन है, आप जो है डायरेक्टली फ़ोन में भी ऑर्डर कर सकते हो, ये कार्ड है, अगर आप कॉल करोगे इस नंबर पे आप कॉल करोगे तो आप ऑर्डर दे सकते हो, जो भी आप देना चाहते हो मेनू आपको इंटरनेट में मिल जाएगा, और फिर हम यहाँ से आपको जो है आपका खाना जो है डिलीवरी कर सकते हैं, और यही सब काम रहता है मेरा, जो भी ऑर्डर इसमें आता है यहाँ से ऑर्डर निकाल के इधर सिस्टम में डालना पड़ता है, और यहाँ से फिर क्यूटी जो है अंदर किचन में प्रिंट होके जाती है, और वहाँ पर वो लोग खाना बना के मुझे यहाँ पर देते हैं, और यहाँ पर से जो है जो ये कुरियर वाले होते हैं, जो ये डिलीवरी वाले होते हैं, ये लोग आते हैं और अपना खाना ले जाते हैं। ये बहुत ही लाइट काम मेरे लिए, जब तक मेरी कमर बिल्कुल से ठीक नहीं हो जाती है, होपफुली कि होगी एक दिन, अभी मेरा इलाज चल ही रहा है कंटिन्यू, तो अगर ठीक हो जाएगा तो मैं फिर से अपने जो मेरा अपना काम है किचन का, शायद उसमें बैक जाऊंगा या कुछ भी नया करूंगा तो आपको पता लग ही जाएगा मेरी वीडियोस के थ्रू, बट अभी जो है उसमें खुश रहना सीख रहा हूँ, क्योंकि मैं बहुत काम करता था लेकिन अभी इतना कर नहीं पा रहा हूँ बिकॉज ऑफ दिस ऑल इशू, बट ठीक है, जो भी है अच्छा है, बहुत ही अच्छे मेरे दोस्त हैं जो मेरी हेल्प करते हैं, और इसीलिए ये जॉब मुझे मिली है, क्योंकि मेरे खास दोस्त का रेस्टोरेंट है, जैसे मैंने आपको बताया। यूजुअली ऐसे काम में क्या होता है कि लोकल लोग काम करते हैं, जो पॉलिश होते हैं, जिनको पॉलिश आती है, क्योंकि किसी की कॉल आएगी पॉलिश की तो वो पॉलिश में ऑर्डर देगा खाने का, वो पॉलिश में ही बात करेगा, तो ये जो कासा कोसा ज़्यादा सिस्टम जो है यहाँ पर पॉलिश में ही सब चीज़ होता है, कोई लेटर आता है, कोई कुछ आता है, लेकिन फॉर्चुनेटली मुझे थोड़ी बहुत पॉलिश आती है, अगर कोई मुझे कॉल करता है यहाँ पर और खाने का ऑर्डर देता है या अपना एड्रेस बताता है तो थोड़ा बहुत जो है मैं उनके साथ कॉन्वर्सेशन कर पाता हूँ पॉलिश में, तो इसलिए जो है इसलिए भी जो है जॉब मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, तो यही सब है। अब मत पूछना कि आप पोलैंड में क्या कर रहे हो, आपने देख लिया है, यही सब करता हूँ, और अब थोड़ा काम पर ध्यान देते हैं और वीडियो को यहाँ पर स्टॉप करते हैं, फिर इसको कंटिन्यू करेंगे बाद में। सो गाइज अभी ड्यूटी फिनिश हो चुकी है फाइनली, रात के 10 बज रहे, आप देख रहे हो मैंने कंप्यूटर बंद कर दिया है, सारा सिस्टम बंद हो गया, और ये जो मेरे पीछे मशीन है ये एक्चुअली ऑटोमेटिक होती है, इनका ओपनिंग टाइम जो रेस्टोरेंट का ओपनिंग टाइम होता है ये ऑटोमेटिक ऑन होती हैं, और जैसे क्लोजिंग टाइम होता है तो ऑटोमेटिक जो है ऑफ हो जाती है। सो अब चलते हैं घर में और आपको मिलते हैं घर जाने के बाद। सो जैसे मैंने आपको बताया था कि रात को थोड़ा ठंड हो जाती है अभी भी, जबकि मई चल रहा है तो इसलिए जैकेट जरूरी है रात के लिए, और अभी यहाँ से जाना है घर, 10-15 मिनट फिर लगेंगे घर जाने में। सो गाइज फाइनली जो है मैं घर पे पहुँच चुका हूँ, जहाँ से वीडियो स्टार्ट की थी वहीं पर एंड करने वाला हूँ। आज का दिन मेरा कैसा रहा आपने देखा, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं है, ड्यूटी गया, ड्यूटी से आया, काम करना ही पड़ेगा इतनी दूर आ रखे हैं, बट धीरे धीरे अभी जो है मेरे प्लान है इधर उधर ट्रैवल करने का, थोड़ा सा और जो बैक पेन है वो कम हो जाए, और स्पेशली जो है अभी यहाँ पर सीजन स्टार्ट हो रहा है तो अगले महीने और अच्छा मौसम हो जाएगा तो जाएंगे पोलैंड के गाँव में जाएंगे या पोलैंड के किसी दूसरे शहरों में जाएंगे, और आपको अपने साथ ज़रूर घुमाऊँगा, जहाँ भी जाऊँगा वहाँ की वीडियो आपके लिए बनेगी, और आप भी जो है पहले की तरफ प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए, और साथ में नोटिफिकेशन की घंटी जरूर दबाइए गाइस, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड गाइस, बाय बाय, नमस्कार।